आंटी की डेथ का सुनकर बेहद अफसोस हुआ। शान के साथ मेरा बड़ा फैमिली जैसा रिलेशन था और अक्सर जब शूट नहीं होता था तो हम शान के घर इकट्ठे होते थे। नीलो आंटी बुलाती थी और बिल्कुल ही जो है एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर होता था। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं और आज जब ये दो दिन पहले उनकी डेथ का सुना तो बहुत दिल खफा हुआ। वो सारे मंजर आंखों के सामने आ गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और बस इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं और बहुत दुख हुआ उनकी डेथ का सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और शान को, उनकी फैमिली को, जरका को, इजाज़ को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि नीलो आंटी के साथ बहुत अच्छा गुजरा। जब मैं तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, मेरा उनके घर आना जाना था जो है फैमिली में, और बहुत दुख हुआ। मतलब शान की फैमिली, जरका, सब लोग मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह थे मुझे, और उनकी वफात का सुन के दिली दुख हुआ मुझे।